पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेंगे, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है उससे लोग परेशान हैं, तबाह हैं। शायद इस वजह से जो है भीड़ नहीं आ पा रहा, बेकार की बातें बोलता है, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, उस पे हम टिप्पा टिप्पणी देकर। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब अलग अलग जातियों के तर्ज पर सम्मेलन कर रही है। कल ताती समाज का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सम्मेलन बुलाया था, महज 25 लोग ही इस सम्मेलन में आए, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की काफ़ी किरकिरी हुई। आरजेडी जेडीयू ने जो है काफ़ी तीखे सवाल पूछे और यह भी कहा कि यही असलियत। अब जब भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके का कार्यक्रम किया है और आरजेडी दफ्तर में भी आज संविधान दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और उनसे यह सवाल पूछा गया कि आखिरकार जो भारतीय जनता पार्टी जाति की जो राजनीति बिहार में हो रही है और उसी के तर्ज पर वे लोग भी जाति का सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरीके का काम करती है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार से जो आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है और यही कारण है कि भीड़ नहीं जुट पा रही है। ये बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा। और कल जो आज सुबह की तस्वीर निकलकर सामने आई है, नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा ने मुलाकात किया, उसके बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय के ऊपर जोरदार हमला किया और कहा जिसके बात में कोई तथ्य नहीं, कोई सच नहीं, उसके ऊपर हम टीका टिप्पणी नहीं करते। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव? इसी बिल के तर्ज पर सम्मेलन करने लगी है लेकिन भीड़ नहीं जुट रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है और ये लोकतंत्र की यही ना खूबसूरती, उससे क्या अपनी बात रखने का लोग जो है सबको मौका मिलना ही चाहिए। हर पॉलिटिकल पार्टी, अब चुनाव आ रहा है तो सब कार्यक्रम तो करवे करेंगे, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी टिप्पणी हमको करना नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार रही है उससे लोग परेशान हैं, तबाह हैं। शायद इस वजह से जो है भीड़ नहीं आ पा रही। लेकिन नित्यानंद राय कह रहे हैं कि जदयू टूट रही है, जदयू टूट रही है, आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं, ये कहना है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय का कहना है कि आरजेडी के लोग तोड़ रहे हैं जदयू को। नहीं, नित्यानंद राय ने कहा है कि जेडीयू के जो नेता और मंत्री उनके संपर्क में और उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि जेडीयू के नेता मंत्री संपर्क में। देखिए, एक बात समझ गए कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है। जो बेकार की बातें बोलता है, जिसके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, उस पे हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करते हैं। इस बात को कोई मतलब है क्या? तो इसलिए